आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री बी की ओर तो क्वेश्चन थ्री बी और में जो है डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन एस्टिमेशन क्या है और वैल्यूएशन क्या है तो पहले एस्टिमेशन क्या होता है द प्रोसेस ऑफ द कैलकुलेटिंग द क्वांटिटीज एंड द कॉस्ट ऑफ द वेरियस आइटम जनरली एस्टिमेशन हम कब करते हैं बिफोर द कंस्ट्रक्शन और वैल्यूएशन की अब बात करूँ तो इट इज एन आर्ट ऑफ द एस्टिमेटिंग द फेयर प्राइज ऑन और अ वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी जनरली वैल्यूएशन कब करते हैं जब उन प्रॉपर्टी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है प्रॉपर्टी बन चुकी है और ये एस्टिमेशन की बात कब आती है जब प्रॉपर्टी बनी नहीं है उनसे पहले जो हम उनका रेट डिफाइन करते हैं या उनका कॉस्ट डिफाइन करते हैं उनको एस्टिमेशन कहते हैं और बनने के बाद जो उनका वैल्यू क्या हो सकता है अभी का प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू जनरली हम बात करते हैं उनको वैल्यूएशन के तौर पर एस्टिमेशन इट इज़ डन बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन जो मैंने अभी बताया आपको इट इज़ डन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन यहाँ पे एक्यूरेसी क्या होती है आपके लेस होती है क्यों लेस होती है क्योंकि आपके सामने कुछ है नहीं आपको इमेजिनेशन करना है फिर आपका कॉस्ट निकालना हो यहाँ पे आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी क्योंकि आपके सामने बिल्डिंग है और आपके पास प्रेजेंट कंडीशन में उनकी अगर दाम निकालना है उनकी वैल्यू निकालनी है तो आपको पता होगा मार्केट रेट क्या है बट अगर मैं बात करूं एस्टिमेशन की तो वो बिन बनने से पहले उनका रेट निकालना थोड़ा बहुत मुश्किल होता है इसीलिए एक्यूरेसी एस्टिमेशन में कम मिलती है और वैल्यूएशन में ज़्यादा मिलती है इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन तो जनरली कंस्ट्रक्शन का टाइप क्या है उन पर डिपेंड होता है और यहाँ पे जो है वो है डिमांड एंड सप्लाई पर डिपेंड डिपेंड uh, करता है क्योंकि अगर डिमांड ज़्यादा है तो आपका वैल्यू ज़्यादा होगा और सप्लाई ज़्यादा है तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी मतलब कि आपका रेट भी मतलब कि वैल्यू भी आपकी कम हो जाएगी तो ये था क्वेश्चन नंबर थ्री बी जो चार मार्क्स आपको दे सकता है ये भी चीज़ आपको रिपीट क्वेश्चन में मिल सकती है तो जो क्वेश्चन थ्री बी है वो आपको रिपीट हो सकता है क्वेश्चन विंटर सेवनटीन या विंटर एटीन में भी पूछा गया था तो रिपीट क्वेश्चन वाला ये क्वेश्चन है तो प्रिपेयर करके ही जाना है